hi friends welcome to my channel i'm arpita karva and in this video we are going to talk about how you can clear ugc net examination along with your college studies or along with your job a lot of students ask me this question ki kya possible hai ek competitive exam ki karna along with a job that we are doing or along with college studies एंड मेरा आंसर हमेशा इन सभी स्टूडेंट्स को होता है अ क्लियर येस यस इट इज पॉसिबल इस वीडियो में हम एक राइट right अप्रोच देखने वाले हैं जिसे यूज करके आप में से कोई भी अपने कॉलेज लाइफ या अपने जॉब के साथ में यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर सकता है एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सम इशूज दैट माइड पॉप अप इन योर प्रिपरेशन एंड हाउ टू अवॉइड और गेट ओवर दोज इशूज तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो सो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट वी ऑल आर इन कंट्रोल ऑफ आर टाइम और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेल मी दिस कि मैम कैसे तैयारी करें टाइम ही नहीं है पूरा दिन तो जॉब में चला जाता या मैम हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं हम साथ में यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें एंड आई टेल ऑल ऑफ देम वन सिंगल थिंग दैट वी ऑल आर इन कंट्रोल ऑफ आर ओन टाइम दिस स्टेटमेंट सिम्पली मीन्स डैट हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं अगर किसी दिन आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है इसका मतलब ये है कि यू आर चूजिंग नॉट टू वर्कआउट दैट हम हर उस चीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं और जो जो चीज़ें हम नहीं करते वो सिंपली ये बताती है कि वो चीज़ करना हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है आप सोच के देखिए ना अगर किसी दिन आपने सोचा है कि मुझे ये काम करके ही आज सोना है और आपकी एक्चुअली बहुत इच्छा है उस काम को करने की तो क्या आप वो नहीं कर पाते हम सब देखते हैं कि लाइफ में हमें जो मूवीज देखनी होती है जो टीवी शोज फॉलो करने होते हैं या हमें जो आ, आउटिंग्स पे जाना होता है जिन जगह विजिट करनी होती है हम कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के वो सारे काम कर लेते हैं अगर आपका कोई फ्रेंड टाउन में आया है एंड ही इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड टू यू सो क्या आप उससे मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते आप 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 चाहे रात में बजे उसके घर जाएं, बट आप निकाल के पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह सोचिए कि 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 अगर क्लियर करना आपकी बन जाए, आपके को आप ये समझा दें तो, तो क्या आपको लगता है कि आपका ब्रेन इतना स्मार्ट नहीं है कि वो कैसे ना कैसे करके दिन में आपको पढ़ने के लिए कुछ टाइम निकाल लेगा तो चलिए दिन को प्लान किस तरीके से करें जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जॉब के साथ में हमें टाइम ही नहीं है एग्जाम की प्रेपरेशन करने का उनके लिए एक स्पेशल टाइम टेबल मैं बताती हूं so, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट बैकवर्ड्स हमारे दिन में होते हैं 24 फोर आवर्स इस 24 फोर आवर्स में से अगर हम माने आपका कॉलेज या आपका वर्क आपके नाइन आवर्स ले लेता है दिस ऑल्सो इंक्लूड्स योर ट्रैवल टाइम सो आपका ट्रैवलिंग एवरीथिंग कम्स इन टू दिस पीरियड सो नाइन आवर्स आपने अपने कॉलेज या अपने जॉब को दिए अब हमारे 24 फोर आवर्स में से बचे 15 आवर्स इस 15 आवर्स का बाकी कैलकुलेशन देखते हैं सो सेवन आवर्स इज समथिंग दैट यू नीड टू स्लीप टू रिजुविनेट योर सेल्फ इसके अलावा हमारे पास जो टाइम बचता है उसमें से तीन घंटा लगभग पूरे दिन का हमारे रूटीन वर्क में चला जाता है नहाना खाना घर साफ करना और सम अदर स्मॉल थिंग्स डैट वी हैव टू डू अब इस सब को हटाने के बावजूद हमारे पास बचते हैं फाइव आवर्स ये पांच घंटे वो टाइम है जिसे लगा के आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं अब आप अगर सोचेंगे फाइव आवर्स डेली पढ़ के मैं कितने टाइम में एग्जाम क्लियर कर सकता हूं मी टेल यू दैट स्टेप्स टू सो so, हमारा जो ऑनलाइन ऑडियो कोर्स है ऑफ यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर विच इज़ अ कम्प्लीट कोर्स जिसके अंदर हमने मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड राइटर्स कवर करे हैं हर एक टॉपिक कवर करा है मोर देन टू थाउजेंड नॉवल्स की डिटेल समरी है एंड ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे कोर्स को आप अगर देखते हैं सो इट कंप्राइजेस ऑफ 210 हंड्रेड एंड टेन आवर्स ऑफ ऑडियो लेक्चर्स दो सौ दस घंटे के ऑडियो लेक्चर्स पूरे कोर्स में हैं इस 210 घंटे के ऑडियो लेक्चर्स को अगर आप सुनते हैं तो फाइव आवर्स के हिसाब से अगर आप वीक में छह दिन सुनते हैं तो आपने थर्टी आवर्स के ऑडियो लेक्चर्स हर वीक सुने एंड थर्टी आवर्स के हिसाब से सेवन वीक्स के अंदर यू कैन कवर द एंटायर ऑडियो कोर्स एंड विद द कंप्लीशन ऑफ द ऑडियो कोर्स आपका पूरा सिलेबस एंड टू एंड कवर हो जाता है इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है संडे आपने सोचा होगा मैंने क्यों छोड़ा उस दिन तो कॉलेज या जॉब की भी छुट्टी होती है वो दिन है आपका रिविजन का डे जो भी आपने छह दिन में पढ़ा आई वुड वॉन्ट यू टू रिवाइज दैट एंटायर थिंग ऑन संडे, जिससे ऐसा ना हो कि सेवन सिलेबस खोलें, तो आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ याद ही नहीं है सो so अगर ऐसा करते हुए आप तो आप देखिए, तो पाएंगे कि दो महीने से भी कम समय में आप एक एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं देन वन मंथ यू कैन डिवोट इन ऑर्डर टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस तो आप देख सकते हैं जॉब के साथ एग्जाम क्लियर करना उतना ही आसान है जितना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पूरा दिन डिवोट करना क्योंकि आप देखेंगे कि दिन में भी हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि अगर आपके साथ में जॉब या और कोई चीज नहीं है तो भी आप दिन में लगभग पांच घंटे ही पढ़ पाते हैं जॉब के साथ में आप अगर पढ़ते हैं तो भी आप पांच घंटे ही पढ़ पा रहे हैं सो so, दिस कि जॉब होना ना होना साथ में कोई कॉलेज का पढ़ाई होना या ना होना सेमेस्टर एग्जाम्स होना या ना होना आपके लिए मैटर ही नहीं करता आपके लिए मैटर करता है आपका डेडिकेशन तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा हमारे पिछले सेगमेंट में कि एग्जाम हो या कॉलेज की लाइफ हो या कॉलेज के क्लासेस हो या आपका जॉब हो इन सब के साथ में भी इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हम अपने दिनचर्या की सारी चीज़ें करने के बावजूद ये पांच घंटे का समय अपने लिए निकाल पा रहे हैं बट ये समय तो आज भी हमारे पास है वॉट आर वी डूइंग विद दिस टाइम सो so मोस्टली आप देखेंगे कि हम ये फाइव आवर्स का समय बहुत आराम से वेस्ट कर देते हैं और इसे वेस्ट करते हुए हम ये जान भी नहीं पाते कि ये समय हमारे पास एक्चुअल में है सो so इस पूरे चीज़ को अगर आप बहुत बारीकी से स्टडी करें तो आप देखेंगे कि दो ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपके और आपके गोल के बीच में आते हैं एंड दोज टू ट्रेड्स आर डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन ये दो ट्रेड्स के ना होने की वजह से आप अपने गोल के प्रति उतने ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहे सो लेटस्ट सी वॉट वी कैन डू अबाउट इट हम सब बोलते हैं मोटिवेशन के कुछ वीडियोज देख लो या फिर कई लोगों से बात कर लो हो सकता है वो आपको कुछ मोटिवेटिंग टिप्स दे दें एंड यू माइट फील एनर्जाइज्ड इनफ टू वर्क बट दैट डजेंट लास्ट राइट आज हम मोटिवेट हुए आज हमने पढ़ाई करी बट कल वापस से हम वही टाइम वेस्ट करेंगे सो so ऐसा क्या करें जिससे हम डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन अपने अंदर इंकल्केट कर पाएं सो so एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है आज से आप कोई एक काम ऐसा करना करने लग जाए रोज जो आपको कंसिस्टेंटली करना है इन रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट हैपन्स इट कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग मे बी अगर अभी तक आप खाने के बाद अपनी प्लेट किचन तक नहीं लेके जाते हैं ट, टेबल पे ही छोड़ के चले जाते हैं तो मे बी दैट एक्टिविटी और मेकिंग योर ओन बेड इन द मॉर्निंग या फिर अपने कपड़ों को अपनी अलमारी में रखना कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप नहीं करते हैं बट आज से आप वो करने लग जाएंगे सिर्फ आपको यह मेंटेन करके चलना है कि कुछ भी हो जाए मुझे रात में सोने से पहले वो काम कंप्लीट करना ही करना है एंड दैट माइट टेक ओनली फाइव मिनट्स ऑफ योर लाइफ बट फिर भी जैसे जैसे आप वो चीज़ कंसिस्टेंटली करेंगे आप देखेंगे कि उस फाइव मिनट्स ने आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला के खड़ा कर दिया है और वो ये बदलाव होगा कि आप खुद पे भरोसा करने लग जाएंगे कि अगर आपने कोई कमिटमेंट करी है सो यू आर गोइंग टू फॉलो इट सो धीरे धीरे यही कमिटमेंट की फीलिंग आपको ये बार बार जताएगी कि आपने जो एग्जाम क्लियर करने की कमिटमेंट करी है वो आपको पूरी करनी है एंड ऑटोमेटिकली रोज आप खुद के लिए मोटिवेशन अपने आप पैदा कर पाएंगे सो so, सिर्फ ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आप करने लग जाइए आज से ही अभी से ही एक छोटा सा टास्क लीजिए कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें भी बताइए बाकियों को भी मोटिवेट करिए और स्टार्ट करिए अपने लाइफ में डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन इनकल्केट करने की एक नई जर्नी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगी एक ऐसे प्रिंसिपल की जो आपको हेल्प करेगा आपके फाइव आवर्स जो आपको मिल रहे हैं इस एग्जाम की प्रेपरेशन करने के लिए उसे फुली यूटिलाइज करने में सो so, ये जो प्रिंसिपल है दिस इज नोन एज टाइम ब्लॉकिंग प्रिंसिपल एंड बड़े बड़े ऑन्टरप्रेन्योर्स लाइक इलॉन मस्क आज भी अपनी डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को बहुत बहुत ही एफिशिएंटली यूज करते हैं सो so, ये जो प्रिंसिपल है ये एक पार्किंसन करके लॉ है जिस पर बेस्ड है पार्किंसन लॉ बहुत सिंपली स्टेट करता है दैट वर्क एक्सपैंड टू फिल द टाइम गिवन टू कंप्लीट इट कि आप कोई भी काम को करने के लिए जितना समय देते हैं उतने समय में वो काम फैल के होता है अगर आप बोलें कि आज मुझे अपना कमरा साफ करना है और आप अपने आप को आधे घंटे का समय दें तो आप देखेंगे आप जिस स्पीड में कमरा साफ करेंगे वो स्पीड काफी ज्यादा होगी और अगर वही कमरा साफ करने के लिए आप खुद को दो घंटे दें तो आप बहुत आराम से कमरा साफ करेंगे एंड दोनों ही सिचुएशन में आधे घंटे और दो घंटे में आप कमरा साफ करेंगे बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने दो घंटे का टाइम दिया कमरा साफ करने के लिए बट आपको आधी घंटे में ही कर लिए क्योंकि जैसे ही आपने खुद को दो घंटे का समय दिया लॉ कहता है, है कि आपका काम भी अपने आप उतनी टाइम पीरियड में फैल गया और जैसे ही आपने अपने आप को आधे घंटे का समय दिया आपका जो दो घंटे का काम था वो श्रिंक होके ऑटोमेटिकली थर्टी मिनट्स में आ गया ये सेम प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं आप मैक्सिमम सिलेबस कवर करने के लिए इन दो फाइव आवर्स जब भी आप पढ़ने बैठे आप अपने आप को बताएं कि आज मुझे इस पाँच घंटे में ये टॉपिक्स कवर करने और आप देखिएगा कि जैसे ही आपके वो फाइव आवर्स पास में आने लग जाएंगे वो समय खत्म होने लग जाएगा आपकी स्पीड पढ़ने की अपने आप बढ़ जाएगी और जो चीज़ें आप नॉर्मली सात आठ घंटे में पढ़ते हैं लर्न करते हैं वो चीज़ें आप पाँच घंटे में बहुत एफिशियंटली लर्न कर पाएंगे सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू प्रूव बेनिफिशियल इन योर स्टडी रूटीन एंड ये आपको इस पूरे वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें समझ आई होगी जो आपको हेल्प करेगा ये मिथ आपके दिमाग से हटाने में कि पढ़ाई के साथ में या जॉब के साथ में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग यू जी सी नेट एग्जाम एंड आई होप टू सी यू शाइनिंग ब्राइटली इन द लिस्ट ऑफ द क्लियर स्टूडेंट्स सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव आई एम गोइंग टू मीट यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट हैप्पी लर्निंग कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टेट यून टू अर्पता करवार डॉट कॉम